खुशबू से पूरा घर महक उठेगा, आस पड़ोसी भी खुशबू सूंघ आपके घर चाय पीने आ जाएंगे जब ऐसा चाय का मसाला घर में बनेगा। आखिर होटल और रेस्टोरेंट वाले चाय का जो मसाला है कैसे बनाते हैं कि जो चाय इतनी बढ़िया बनती है कि हम लोग इतना पैसा खर्च करके उस चाय को पीने चले जाते हैं। आज उससे भी बढ़िया और जबरदस्त खुशबूदार चाय मसाला मैं आपको घर में बनाना बताऊंगी। पूरा वीडियो वॉच करें, इस बदलते मौसम के लिए बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है। चाय मसाला भी बताऊंगी, साथ के साथ आपको मसाला चाय बनाना भी बताऊंगी। बहुत ही सीक्रेट रेसिपी, ऐसी चाय बनेगी कि लोग आपकी चाय के दीवाने हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही जबरदस्त और परफेक्ट चाय मसाला पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले आप लीजिए एक इस तरह का कोई भी पैन ले लीजिए, या कोई तवा या कढ़ाई भी ले सकते हैं। अभी मैंने पैन को गैस पर बिल्कुल नहीं रखा है, तो पैन में सबसे पहले हम लेंगे चाय की जान इलायची। अगर मैं वजन से बोलूं तो लगभग 20 ग्राम के करीब मैंने हरी इलायची ली है, और अगर चम्मच से बोलूं तो 3 बड़े चम्मच के करीब बड़ी इलायची है। अब नेक्स्ट मैं इसमें ले रही हूँ साबुत काली मिर्च, चम्मच से लगभग 1 बड़ा चम्मच के करीब साबुत काली मिर्च है, और वजन से लगभग होंगी 10 ग्राम। यहाँ पर परफेक्ट रेशो और परफेक्ट मेजरमेंट समझना बहुत जरूरी है कि चाय मसाले में हम क्या क्या इंग्रेडिएंट लें, उनकी कितनी कितनी मात्रा होनी चाहिए, तभी वो असली वाला चाय मसाला तैयार होता है। और फिर इससे आप मसाला चाय बनाएंगे, एक सिप में ही आपका दिल खुश हो जाएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच लौंग, लगभग होंगी 5 ग्राम के करीब। अब नेक्स्ट इसमें जाएगी दालचीनी, जिसे हम सिनेमन बोलते हैं, तो ये मैंने ली है लगभग 10 ग्राम। अगर आप यहाँ देखें तो सारी चीजें बिल्कुल आयुर्वेदा के हिसाब से हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी चाय में जान डालेगी वो है हरी सौंफ, तो यहाँ मैंने ली है 2 बड़े चम्मच हरी सौंफ। अगर आप सौंफ का फ्लेवर कम लाइक करते हैं तो यहाँ मात्रा थोड़ी कम कर सकते हैं। सौंफ चाय में स्वाद तो जगाती ही है, साथ के साथ डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। काली मिर्च, लौंग, दालचीनी सर्दी जुकाम में बहुत ही फायदा करती हैं और खांसी में भी आराम देती हैं। अब जो नेक्स्ट चीज चाय मसाले की है वो है बड़ी वाली काली इलायची। ये जो काली वाली बड़ी इलायची आती है ना, गर्म मसाले में भी डालते हैं, ये मैंने 4 वो ली है। इनको पूरा साबुत नहीं डालेंगे, इनको क्रश कर लेंगे और इनका ऊपर का छिलका हटा देंगे। बहुत ही फायदेमंद होती है बड़ी इलायची, खांसी में आराम देती है और गले के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होती है। ये देखिए, सारे मैंने बड़ी इलायची के बीज निकाल लिए हैं और इसको भी अपने पैन में ही डाल देंगे। अब देखिए, नेक्स्ट मैं ले रही हूँ जायफल, जिसे हम इंग्लिश में नटमेग बोलते हैं, तो यहाँ मैंने 1 जायफल लिया है। इसको भी पहले हल्का क्रश कर लेंगे, वरना मिक्सी में पीसना आपको मुश्किल हो जाएगा। यकीन मानिए, ये जो चाय का मसाला बना रही हूँ, चाय में तो जान डालेगा ही, इम्यूनिटी बूस्टर है ये चाय का मसाला। अब जो नेक्स्ट चीज है जो कि विंटर स्पेशल चाय मसाले के लिए बहुत ही जरूरी है, वो है ड्राई जिंजर पाउडर, जिसे हम सॉल्ट भी बोलते हैं, वरना तो आजकल बहुत ही इजीली इसका पाउडर मिल जाता है बाजार में। तो सूखा अदरक का पाउडर मैंने यहाँ पर लिया है लगभग 4 बड़े चम्मच के करीब, क्योंकि हम विंटर स्पेशल बना रहे हैं, अगर आप गर्मियों के लिए बना रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी आधी कर दें। यहाँ इसको अभी नहीं डालेंगे, लास्ट में यूज करेंगे, पहले इतनी चीजों को हल्का सा लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। मतलब ऐसा समझिए कि भूनना नहीं है, ना ही इसका कलर चेंज करना है, बस इतना भर जो इनमें एसेंशियल ऑयल होते हैं वो एक्टिवेट हो जाए और चाय का मसाला एकदम सौंधी सौंधी खुशबू के साथ बने। अभी मैंने आपके साथ एक चाय का वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपको हाईवे वाली चाय और बहुत ही बढ़िया अदरक इलायची की जबरदस्त चाय बनानी बताई थी, वो आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया। सबने मुझसे बोला था कि मसाला चाय भी बता दूं, तो ये मैं पूरा चाय मसाला आपको घर में बनाना बता रही हूं। साथ ही इस वीडियो में आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि चाय मसाले को आपको यूज कैसे करना है, किस स्टेज पर आपको चाय का मसाला डालना है कि आपकी मसाला चाय एकदम दमदार बने। सिर्फ 3 मिनट के करीब आपको इसको भूनना है, ज्यादा भून देंगे तो सारा स्वाद मर जाएगा और एकदम बढ़िया खुशबू आनी शुरू हो गई है। और देखिए आवाज आ रही है इसमें खनकदार, एकदम बढ़िया रोस्ट हो गए हैं। तो बस गैस को करेंगे बंद और इसको होने देंगे हल्का सा ठंडा। पर यहाँ पर एक चीज और डालेंगे, इसमें हम डाल देंगे हमारा अदरक वाला पाउडर, यानी कि सॉल्ट, ड्राई जिंजर पाउडर। तो पिसा हुआ था इसलिए मैं इसी स्टेज पर इसमें डाल रही हूँ, जिससे कि जो भी नमी होगी वो भी खत्म हो जाएगी, हल्के गर्म पैन में ये भी ड्राई रोस्ट हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर मैं एक चीज और डाल रही हूँ जो कि पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन चाय मसाले को जबरदस्त टेस्ट देगी, साथ के साथ हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, और वो है तुलसी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी तुलसी ली है और थोड़ी जो मंजरी होती है ना, उसके सीड्स होते हैं, वो लिए हैं, 1 बड़ा चम्मच के करीब है। तो यदि आप तुलसी का फ्लेवर लाइक करते हैं तब तो जरूरी डालिए। और ये लीजिए, सब चीजें हो गई हैं हल्की सी ठंडी। अब इनको हमें बढ़िया सा पीसना होगा, तो आप लीजिए एक ग्राइंडिंग जार, और ग्राइंडिंग जार में सारा ठंडा किया हुआ चाय का
मसाला हम इसमें डालेंगे और इसका फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, स्वाद सेहत और खुशबू से भरपूर जबरदस्त चाय मसाला है, बिल्कुल तैयार, वो भी मिनटों में। तो चलिए इसको करते हैं एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफर। और लीजिए, हमारा बेहतरीन चाय मसाला है बिल्कुल तैयार, जबरदस्त खुशबू, जबरदस्त टेस्ट और जबरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर भी। मजा आ जाएगा, सारा सर्दी जुकाम, सर दर्द, बदन दर्द और थकान सब दूर हो जाएगी मसाला चाय का एक सिप लेते ही। और बस इस बॉटल को आप भर करके रख लीजिए, महीनों खराब नहीं होगा। जरा सा आपको चाय में डालना है वो मैं आपको बनाकर बताती हूँ कि मसाला चाय परफेक्ट तरीके से आप कैसे बनाएं। सबसे पहले आप एक चाय वाला पैन रखें गैस पर, इसमें हम डालेंगे एक कप पानी। मैं दो कप चाय बना रही हूँ तो उस हिसाब से आपको मेजरमेंट बता रही हूँ। अब मीडियम फ्लेम पर पानी को पहले बढ़िया से उबलने देंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। और ये देखिए पानी एकदम बढ़िया से उबल रहा है। इस स्टेज पर मैं यहाँ ले रही हूँ 1.5 चम्मच चाय पत्ती। आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितना लाइट है कलर, उस अनुसार आप थोड़ी सी कम ज्यादा चाय पत्ती कर सकते हैं। अब चाय पत्ती को भी बिल्कुल बढ़िया से पानी में उबलने देंगे, जिससे चाय पत्ती पानी में बिल्कुल बढ़िया से रंग और फ्लेवर दोनों छोड़ दे। और ये देखिए चाय पत्ती भी बिल्कुल बढ़िया उबल गई है, आप देख सकते हैं। इस स्टेज पर अब इसमें हम डालेंगे चीनी। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1.5 बड़े चम्मच के करीब चीनी, आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। अब जब चीनी डालिए तो इसमें एक उबाल और लेंगे, क्योंकि चीनी डालने के बाद थोड़ा पानी छोड़ती है चीनी, तो इसका उबलना बहुत जरूरी है। तो सभी चीजें बिल्कुल बढ़िया से उबल गई हैं। तो मैंने लिया था एक कप पानी, तो उसी अनुसार मैं ले रही हूँ यहाँ एक कप दूध। प्रॉपर बैलेंस वाली चाय बनाएंगे तो मसाला चाय का स्वाद दोगुना निकल कर आएगा। तो ये देखिए 3 मिनट हो गए हैं, चाय बिल्कुल बढ़िया से उबल गई है। तो इस स्टेज पर जब 3 से 4 मिनट चाय बढ़िया उबल जाए दूध डालने के बाद, अब हम डालेंगे हमारा बेहतरीन वाला चाय मसाला जो भी हमने तैयार किया। तो मैं बना रही हूँ 2 कप चाय, तो उस अनुसार मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 छोटी चम्मच। ये देखिए ये जो छोटी वाली चम्मच होती है ना, इसकी 1/4, यानी आधे छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम, बस इतना भर चाय मसाला बहुत है 2 कप चाय के लिए। अगर आप ज्यादा मसाले वाली चाय पसंद करते हैं तो थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए। तो बस अच्छे से चाय मसाला डाल करके मिक्स कर लेंगे और एक उबाल और ले लेंगे, ज्यादा बिल्कुल नहीं उबालेंगे अब चाय मसाला डालने के बाद। लीजिए हमारी जबरदस्त टेस्टी लाजवाब कड़क मसाला चाय है बिल्कुल तैयार। गैस को बंद करेंगे, फटाफट से ग्लास में छानेंगे। ऐसे ठंडे ठंडे बदलते मौसम में और इतनी बेहतरीन मसाला चाय मिल जाए तो बस और क्या चाहिए, पूरा घर महक रहा है इसकी खुशबू से। लीजिए गर्मा गर्म मसाला चाय है बिल्कुल तैयार। देख के मन कर गया ना पीने का, तो अब देर कैसी, फटाफट जाइए किचन में, आप भी बनाइए ये चाय मसाला मेरे तरीके से और मुझे जरूर बताइए अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में कैसी लगी आपको आज चाय मसाला पाउडर और मसाला चाय की ये जबरदस्त वाली रेसिपी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।